देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। वो तो कम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, रख लीजिए आप सब, बांट लीजिएगा हर औरत को। ऐसा पति चाहिए होता जो उसके साथ रहे, उसका साथ दे, ना कि ऐसा पति जो उसे बात बात पर छोड़कर चला जाए, ना कि ऐसा पति जो उसे हर समय अपने पति होने की धौंस दिखाए। बल्कि ऐसा पति चाहिए होता है जो सच में पति होने का फर्ज निभाए, उसे प्यार दे, सम्मान दे, ढेर सारी खुशियां दे, उसे ये एहसास दिलाए कि उसके जीवन में उसकी पत्नी का महत्व है। बस यही चाहिए होता है एक पत्नी को। शांत हो जाइए, रोइए मत, संभालिए अपने आप को। ये आप सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आपका ही बेटा है ना बाला, देखो कैसे अपने पत्नी को रोते हुए छोड़कर चला गया। कहां 3 दिन का काम मिला है, 3 दिन के बाद वापस आएगा। जीजाबाई, भैया ने आज तक तुझे छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ा होता तो आज तक तुम दोनों अलग अलग रह रहे होते। भैया आज तक किसी को भी इस तरह छोड़कर नहीं गए हैं। अगर औलाद बड़े होकर कुछ करे तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं होती है, समझी? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन भीम ने जो बाला के साथ शर्त लगाई थी उसका क्या होगा? अब बाला भी यहाँ नहीं है, और अगर मान लो कि भीम ये शर्त हार जाता है तो क्या बाला की पत्नी ऐसे ही जीवन भर बाला से मार खाती, रोती, बिलकती, घुट घुट कर जिएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाभी, आप हिम्मत मत हारिए। इतने दिन आपने हर मुसीबत का सामना डटकर किया है, अभी तो बस 2 दिन बाकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 2 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाला भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी अहमियत उन्हें समझ आ जाएगी, आपके प्रति जो उनका नजरिया है वो भी बदल जाएगा। बस आप रोइए मत। इसलिए नहीं
लिए रो रही हूँ भी कि वो भाग गए हैं तो शर्त का क्या होगा, या फिर वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि वो यहाँ रहकर मेरे साथ मेरे सामने रहकर मुझसे लड़ते, अपने आप को साबित करते कि वो सही है और मैं गलत हूँ। पर ऐसे छोड़कर भाग जाने का क्या मतलब है भी? उनका ऐसे छोड़कर चले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तो हमें भी अच्छा नहीं लगा भाभी। वो जब वापस आ जाएंगे तब हम उनसे बात कर ही लेंगे ना। अभी आप रोना बंद कर दीजिए, शांत हो जाइए। ठीक है, नहीं रोऊंगी, बल्कि अब मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। अभी अभी इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, और वो ढूंढ कर भी नहीं मिलेंगे आपको। भीम, आज तक हर बार मैं ही उन्हें ढूंढ कर लाई, तो आज भी ढूंढ कर ले आऊंगी। आज तक की बात अलग थी भाभी, आज की बात अलग है। आप नहीं ढूंढ पाएंगी उन्हें। इस बार नहीं ढूंढ पाओगी, हर बार की बात अलग थी। तब मैं चाहता था कि तुम ढूंढ लो मुझे, लेकिन इस बार नहीं, इस बार की बात अलग है। आज तक बाला भैया ऐसे घर छोड़कर जाते थे तो एक ही जगह पर जाकर बैठते थे बार बार, ताकि आप वहां जाकर उन्हें ढूंढ कर वापस घर ले आए और आपको उनका महत्व समझ आ जाए। लेकिन इस बार उनका मकसद कुछ और है, इसलिए वो उन जगहों पर नहीं मिलेंगे जहां आप सोच रही हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, और वैसे भी भाग कर जाने का मतलब ही यही है कि व्यक्ति हारने वाला है, और हारने की पहली निशानी यही है, व्यक्ति को खुद लगे कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। और दीदी, आप ही जीतेंगे, क्योंकि पत्नी होने के नाते अब अपने दायरे में रहकर बाला भैया के साथ अपने हक की लड़ाई डट कर लड़ रही है। और जो व्यक्ति अपने हक की लड़ाई ईमानदारी से लड़ता है ना, उसी की जीत पक्की होती है। सही कह रही है रमा। मैं आई और बुआ को खाना देकर आती हूँ। रुको, तुम मत जा। जीजाबाई जी और बुआ को इस तरह से बाहर रोकने का फैसला बाबा ने किया था, तो अभी उन्हें अंदर ले आने की जिम्मेदारी भी बाबा की ही है। बाबा जाएंगे खाना लेकर। बाबा, बाबा, क्या हुआ? बाबा, जीजाबाई जी और बुआ अभी भी बाहर वैसे ही बैठी है। उन्होंने कुछ खाया नहीं है, हमने भी खाना नहीं खाया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार जाकर उन्हें समझाना चाहिए और खाना खाने के लिए कहना चाहिए, और ये आप ही कर सकते हैं। अगर वो बाहर खाना खाएंगी तभी हम अंदर खाना खा सकेंगे। मुंह फुलाने की, जब मैं वापस आ गई हूँ, आप सबको जेल जाने से बचा लिया है, तो आप क्यों इतना गुस्सा है? जीजाबाई,
तूने कोई ऐसा नहीं किया है हम पर। हम सब पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म भी नहीं आई? उस दिन जब भैया बीमार थे तो उन्हें देखने आई और आकर तू क्या कहती है कि अब मैं तुम सबको कोर्ट में देखूंगी? ऐसे कैसे कर सकती है तू? ऐसे कैसे हो सकती हूँ मतलब? शादी करके जब इस घर में आई तब आप ही के भैया ने बोला था कि हमारा कोई बच्चा नहीं होगा, तब मैंने कुछ नहीं बोला। और आज मैंने अपने खुशी के लिए कुछ मांग लिया तो मैं बुरी हो गई? वाह दीदी, आप लोगों ने कभी मुझे इस परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं, और अगर समझा होता ना तो आज यह नौबत कभी नहीं आती। जीजा भाई बस, अब तुम दोनों बस भी करो। लो खा लो। पहले ये तय कीजिए इस घर में या तो दीदी रहेगी या मैं, तभी मैं इस घर का खाना खाऊंगी। हाँ भैया तय करो, या तो ये रहेगी या तो मैं। नाटक मत करो, चुपचाप खा लो और अंदर चलो। इस घर में हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा। सही बात है, कोई एक ही जाएगा इस घर के अंदर। तय करो, या तो जीजाबाई जाएगी या तो मैं। कैसे लेकर जाएं दोनों को घर के अंदर? लाने की कोई जरूरत नहीं, बाहर ही रहने दो। तुमने मुझे कहा, मैंने मनाने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं। आना है तो आए, तो बाहर ही रहने दो, फिर मुझसे मत कहना। आई आई चादर निकाल दो ना, आज ठंड लगेगी सोने में। रमा, आज रात ही ये दोनों घर के अंदर आ जाएंगे, और देखना बुआ को खुद जीजाबाई जी घर के अंदर लेकर आएंगे। ये क्या कह रहा है आप? और ये होगा कैसे? होगा, बस मुझे थोड़ा बुरा बनना होगा और थोड़ी मेहनत तुम्हें करनी होगी। लक्ष्मी लाओ, मैं बाहर रख देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इन्हें मैं सुबह जल्दी उठकर साफ कर दूंगी, अभी सो जाती हूँ। पैर भी दर्द कर रहे हैं, सुबह तक जब पैर के दर्द ठीक हो जाएंगे तो काम ढूंढने भी जाऊंगी। कुछ दिनों से ना काम ढूंढने जा पा रही हूँ और पैसे भी नहीं है। लक्ष्मी ये कसम वापस ले लूँ ना? नहीं, आपको क्या जरूरत है काम ढूंढने जाने की? मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपके लिए काम कर सकती हूं। चिंता मत कीजिए, आप बस अपना और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। एक बार आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर आप जाइएगा काम ढूंढने, मैं नहीं रुकूंगी। और हाँ, मैं कोई कसम वसम वापस नहीं ले रही हूँ, उल्टा मैं अपनी कसम को दोहरा रही हूँ कि आपको मेरी कसम है, आप बाहर काम ढूंढने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
लेकिन ऐसा करना सही रहेगा क्या? आप ऐसे कभी नहीं कर सकते। दीजिए ना, मैं कंबल लेकर जाती हूँ। नहीं रमा, तुम्हारे जाने से असर नहीं होगा। मैं जाऊंगा तभी असर होगा। चिंता मत करो, तुम रुको, यही मैं आता हूं। अपनी जीत पकड़ कर रखी है कि आप यही बाहर बैठेंगे, ठीक है? कम से कम ये कंबल ओढ़कर बैठिए, आज ठंड बहुत है। सही है भीम, आज तुमने साफ साफ दिखा दिया कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। ये समानता की लड़ाई लड़ने वाले भीमराव ने कंबल भी निकाला तो कितना, एक। सब कहते थे भीम सबके बारे में बहुत सोचता है, क्या खाक सोचता है? जीजाबाई जी माफ कर दीजिए, आप लोगों के बीच सब कुछ सही करने का यही एक तरीका मुझे समझ आया। देखो, लेकिन देखने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि भीम ने जो किया है वो हमेशा सही ही किया है, है ना? जीजा भाई, इतने सालों में तूने भीम के लिए क्या किया है, उसका हिसाब है ना तेरे पास? उसके सामने आज भीम ने जो भी कुछ किया वो कुछ भी नहीं है। मैं ठंड से मर नहीं जाऊंगी, कल सुबह कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगी। और आपको आज भी अपने बेटे की कोई गलती नहीं दिखाई दे रही ना? बाबा, यही कंबल बुआ और जीजाबाई जी को अंदर घर में लाएगी। भीम ने क्या सोच रखा है कि एक कंबल इन्हें घर के अंदर ले आएगी? एक रात में ठंड से मर नहीं जाऊंगी। आपको भीम ने कंबल दिया है ना, तोड़िए। आपके भैया ने खाना दिया है तो खाइए और सो जाइए। मुझे ना तो खाना है और ना ही कंबल ओढ़ना है। जीजा भाई, भैया ने खाना हम दोनों को दिया था। जीजा भाई, अगर तू खाए बिना नहीं मरेगी तो मैं भी नहीं मरूंगी, मुझे भी नहीं खाना है।
माफ कीजिए जीजाबाई जी, मैंने सिर्फ पोहा को कंबल उड़ाया, आपको नहीं। लेकिन अभी इस वक्त यही करना जरूरी था।